इंडिया टीवी आपकी आवाज। मेक्सिको की विदेश मंत्री एलिसिया बारसेना इबारा से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। अर्मानिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जायान से भी डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात, दोनों विदेश मंत्रियों ने की द्विपक्षीय बैठक। बोस्निया और हर्जेगोविना के विदेश मंत्री से भी डॉक्टर एस जयशंकर मिले। एस जयशंकर और एल्मेडिन कोनाकोविच के बीच बैठक। पश्चिम बंगाल पहुंचे चाइना के काउंसिल जनरल ने चंद्रयान 3 पर दी प्रतिक्रिया, कहा अद्भुत लैंडिंग देखना सच में रोमांचक था। काउंसिल जनरल झा लियू ने कहा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर मैंने किया था ट्वीट, ये सभी लोगों के लिए उपलब्धि। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का ड्रोन पर जोर, पायलट डक्ट टेप और इलेक्ट्रॉनिक बीम का किया जा रहा इस्तेमाल। यूक्रेन के खेरसों प्रांत में रूस का हमला, दो लोगों की मौत, 8 घायल, घरों को भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलियाई गृह विभाग के सचिव को काम से हटाया गया, एक केस की जांच पूरी होने तक के लिए पीएम एल्बनीज का आदेश। गाजा में आतंकवादी ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला, इजरायली सेना ने दी जानकारी। सीरिया के इदलिब में शिविर पर रॉकेट से हमला, दो लोगों की मौत, 2 घायल। कोसोवा में अल्बानियाई पुलिस अधिकारियों की हत्या करने वाला गिरफ्तार, सर्बिया की सीमा के पास रूढ़िवादी मठ पर किया था हमला। अंतरिक्ष में 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर लौटा नासा का यान, धरती के लिए खतरनाक उल्कापिंड का सैंपल लाया। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर का बयान, भारत पर आरोप लगाना चुनौतीपूर्ण मुद्दा, लेकिन मामले की जांच कर सच सामने लाना जिम्मेदारी। लीबिया में बाढ़ से जान गंवाने वाले 2300 लोगों के शव किए गए बरामद, अब तक आपदा में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। ब्राजील में लू से लोग परेशान, मौसम विभाग ने 11 राज्यों में औसत से ऊपर तापमान के चलते जारी किया अलर्ट। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क शहर तक भारी बारिश का खतरा मंडराया, न्यूजर्सी में बाढ़ से बचने के लिए चेतावनी, बाढ़ जैसे हालात बने। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल, न्यूजर्सी में कई सड़कों पर पानी भरा। नाइजीरियाई बॉर्डर के पास बेनिन में फ्यूल डिपो में आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ, हादसे में बच्चों समेत 34 लोगों की मौत। हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एशियन गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मिला, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य तोमर, दिव्यांश पवार की तिकड़ी का कमाल।